everyone. It's your mama. हाई एवरी वन, वेलकम टू कुक ईट वॉन्डर। कैसे हो आप सब लोग? आज के ब्लॉग में हम लोग शेयर करने वाले हैं हमारी अहमदाबाद टू दीव की जर्नी। काफी साल पहले जब मैं व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती थी तब इवन इवानका वॉज नॉट देयर, सो तभी हम लोग, मैं और सौरभ गए थे दीव। एंड दीव इज वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ पे मुझे काफी सालों से दोबारा जाने का बहुत मन था, क्योंकि दीव ना बहुत ही अलग है। इट हैज दैट गोवा वाली वाइब, बट बहुत ज्यादा कमर्शलाइज नहीं है। बहुत यू नो यू फील क्लोजर टू द नेचर, क्योंकि गोवा में मतलब बहुत लोग होती है, बहुत भीड़ भाड़ होती है, लेकिन दीव का वाइब ना मुझे बहुत पसंद आया। अब दीव जाने के बाद जब मैं आपके साथ मेरे फेवरेट प्लेसेस टू ईट, फेवरेट प्लेसेस टू विजिट ये सब दिखाऊंगी, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्यों मुझे दीव इतना पसंद है। बट इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा अहमदाबाद टू दीव का जर्नी दिखाने वाली हूँ, ताकि अगर आप रोड ट्रिप करते हो तो आपको पता चलेगा कि रोड कंडीशन कैसा है, आपको कुछ टोल वोल पड़ता है क्या, वो सब डिटेल्स एंड कहाँ आप खा सकते हो वो सारे डिटेल्स आपको पता चल जाएंगे। सो यहाँ पर अभी एक रेलवे क्रॉसिंग है, सो अभी बंद किया गया है, सो आफ्टर द ट्रेन इज गॉन हम लोग फिर से जाएंगे। सो लेट्स वेट फॉर द ट्रेन नाउ। सो अहमदाबाद टू दीव जाने में हमें ऑलमोस्ट 8 आवर्स लगने वाला है, तो कुछ डिस्टेंस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, अभी 6.5 आवर्स रिमेनिंग है। सो टाइम बता रहा है कि हमें अराउंड 6:30 इन द इवनिंग पहुंचाएगा, बट हम लोग डिनर लंच के लिए हॉल्ट करने वाले हैं, सो आई थिंक 1 घंटा एक्स्ट्रा मान के चलिए तो 7:38 तक हम पहुंच जाएंगे। ट्रेन आया देखो। ज्यादातर रोड आपको इस टाइप के ब्यूटीफुल लोकेशन में, थोड़े कंट्री साइड की नॉट सो गुड रोड, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है रोड, लेकिन बहुत एक्सट्रीमली पुअर भी नहीं है। लाइक बीच बीच में कुछ कुछ छोटे छोटे स्ट्रेचेस हैं जहाँ पे थोड़े आपको बुरे रोड्स मिलेंगे, लेकिन अदरवाइज इट्स गुड रोड्स। आपको बहुत लंबे स्ट्रेच के लिए सिंगल लेन रोड भी मिलेंगे एंड थोड़े थोड़े डबल लेन वाले भी हैं, लेकिन ज्यादातर हमें सिंगल लेन वाले ही मिल रहे थे। जैसे ही थोड़ी सी बिल्डिंग और थोड़े से लोग दिखाई देने लगे तो हमने सोचा कि जल्दी से चाय ब्रेक ले लेते हैं, पता चला आगे जाके मिले ना मिले, सो दैट्स वाई हम लोग अभी यहाँ पे चाय पीने के लिए एक छोटे से शॉप में रुके हैं। यहाँ पर चाय के साथ हम लोग नमकीन खा रहे हैं, और यहाँ के भैया ने हमको कहा कि अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो बाहर के लोगों को अलाउ करेंगे वॉशरूम यूज़ करने के लिए, बट आई गेस यहाँ पे सारे स्टॉल्स के पास ना वॉशरूम रहता है, बिकॉज उनको पता है कि यहाँ पे रास्ते में कुछ भी नहीं होता है। सो अगर आप चाय वाय पीने के लिए आप रुकते हो किसी भी दुकान में तो उनसे ये भी पूछ लीजिए कि वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं क्या, बिकॉज ऑन द वे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सो इट वॉज सच अ रिलीफ कि वॉशरूम है इनके पास और ऑल्सो क्लीन था, विच इज़ रियली गुड। सो हमने वॉशरूम ब्रेक ले ली और चाय भी पी लिया, थोड़ा सा नमकीन भी खा लिया, सो एक अच्छा सा शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक हो गया हमारा। अभी दोपहर के 3 बजे हैं और हम लोग अमरेली बाईपास रोड पे हैं, और 3 बजे हैं और यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स और ढाबा है सब कुछ क्लोज हो चुका है, तो मेक श्योर कि आप अगर खाना प्लान कर रहे हो ना तो थोड़ा मतलब बाय 2 o'clock फिनिश कर लीजिएगा, बिकॉज एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट हमको रूट में इतने ज़्यादा कोई प्रॉपर रेस्टोरेंट या इवन ढाबा, मतलब छोटे मोटे ढाबा भी कुछ दिख नहीं रहते, वो पूरा जो रूट था पूरा ही लाइक यू नो ओनली ग्रीनरी, और आसपास कुछ भी बिल्डिंग्स कुछ भी नहीं थी, ना कोई रेस्टोरेंट था ना कुछ था। थोड़े थोड़े चाय वगैरह की ब्रेक्स हम ले पा रहे थे, बट अदरवाइज प्रॉपर लंच ब्रेक के लिए हमें कोई भी प्लेस नहीं दिखाई दिया। फिर फाइनली जब दिखाई देने लगे तो 3 बज चुका था और सारे ही क्लोज हो गए थे, सो ये थोड़ा खाने पीने का थोड़ा प्रॉब्लम है इस रूट में, सो आप मेक श्योर करिए कि उसका अरेंजमेंट करिए, और या फिर मेक श्योर कि आप ये जो अमरेली रोड वाला साइड है वहाँ पे एटलीस्ट 2 बजे तक या 1 बजे तक पहुँच जाइए। फाइनली हमें मोमाई दाबा नाम का एक ढाबा मिला है, जहाँ पे 3 बज चुका है तो वहाँ पे खाना कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बट ओनली फ्रेंच फ्राइज अवेलेबल है, सो हमको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, सो हमने सोचा कि कुछ नहीं मिला तो एटलीस्ट फ्रेंच फ्राइज थोड़ा टाइमिंग के लिए खा के मतलब मैनेज कर लेते हैं। सो अभी इवानका और सौरभ वहाँ पे गए हुए हैं टू गेट फ्रेंच फ्राइज,
तो वही थोड़ा सा खा लेंगे एंड बाद में कुछ मिलता है तो थोड़ा हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह खा लेंगे, बिकॉज 3-4 बज जाएगा। तो ये है मोमाई ढाबा और दिखने में काफी अच्छी लोकेशन है, लाइक काफी पार्किंग स्पेस है, तो अगर टाइम पे आते तो दिस कुड हैव बीन अ गुड हॉल्ट। तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ ताकि अगर दीव जाने का प्लान है तो ये ढाबा को आप कंसिडर कर सकते हो एज अ हॉल्ट। बट अनफॉर्चुनेटली 3 बज चुका है तो हमको तो बस फ्रेंच फ्राइज मिलने वाला है। यहाँ पे इवानका और सौरभ फ्रेंच फ्राइज लेकर आ गए हैं। ये वो क्या लाया तुम? फ्रेंच फ्राइज। फैन? ये कहाँ से मिला तुमको? अंकल ने दिया। अंकल को तुमने थैंक यू बोला? ग्रेट, फ्रेंच फ्राइज ही मिला ना। सो आई फ्रेंच फ्राइज इज हियर और फैन दिया अंकल ने। सो इवो को एक फैन भी दिया यहाँ के स्टाफ ने। सो काफी फ्रेंडली स्टाफ लग रही है। सो आप डेफिनेटली ये प्लेस को कंसिडर कर सकते हो फॉर योर लंच एंड डिनर, बट मेक श्योर कि आप 3 बजे से पहले आए और या फिर 6:30 के बाद आए। सो ये रहा फ्रेंच फ्राइज। कितने का है? 100 रुपीज का, 200 grams। सो दिस इज 200 grams दिख रहा है क्या? एक मिनट, हाँ दिस इज 200 grams ऑफ फ्रेंच फ्राइज एंड काफी गर्म है। इट्स फॉर 100 rupees। लेट्स ट्राई। इट्स हॉट। आराम से खाना। एंड फ्रेंच फ्राइज के साथ इन्होंने, इट्स हॉट नहीं वो, फ्रेंच फ्राइज के साथ इन्होंने सॉस भी दिया हुआ है टोमेटो वाला। सो सॉस तो हम नहीं खाएंगे बिकॉज इट विल बिकम मेसी इन द कार। खाना है? अच्छा, ये वो ऑन सेट। ओके, वी विल हैव इट। ओके, तो फ्रेंच फ्राइज हम लोग एक प्लेट दिया इन्होंने, सो इस प्लेट के ऊपर डालेंगे और ऑन द गो खाते रहेंगे। ये सब लोकेशन आप देखिए कितना सुंदर है, लाइक ड्राइव पे ना आपको बहुत मजा आने वाला है बिकॉज प्रॉपर कंट्री साइड है, ज्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं, आप छोटी छोटी गाड़ियां दिखेंगी बस, और ड्राइव करने में ना बहुत मजा आ रहा है और बहुत ही सीनरिक व्यू है। ओनली प्रॉब्लम इज की सीनरिक व्यू है, कंट्री साइड है, तो ऑब्वियसली और कुछ भी नहीं है, मतलब खाने पीने का सब थोड़ा गड़बड़ है। सो वो मतलब जहाँ पर भी आपको दिख जाता है ना वहाँ पर रुक जाइएगा बिकॉज अदरवाइज अगर आप मिस कर देते हो आगे जाके कुछ मिले ना मिले देयर इज नो गारंटी, बट द ड्राइव इज सो ब्यूटीफुल। हाय वो, बट द ड्राइव इज सो ब्यूटीफुल, आप ऑलरेडी देख सकते हो ये लोकेशन बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। सो वी आर टोटली एंजॉयिंग इट। सो अभी 2 hours, दैट इज बाय 6:36 हम लोग दीव पहुँच जाएंगे। सो वी आर सो एग्जाइटेड, तो हमने सोचा कि भले ही लंच स्किप हो गया बट देन 2 घंटे में पहुंच ही जाएंगे तो वहां पे जाके थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे और ऑन द वे अगर कुछ चाय वाय का स्टॉप ले पाते हैं तो वो भी कर लेंगे। द सीनरी एंड द ब्यूटी इज मेकिंग अप फॉर एवरीथिंग। सो लाइक बिल्कुल भी टायर्डनेस नहीं फील हुई इस जर्नी में, पता ही नहीं चला कि हम लोग 6 hours ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और बस 2 घंटे और कवर करने हैं। इतना ब्यूटीफुल था पूरा का पूरा ड्राइव ही कि बिल्कुल थकावट नहीं हुई थी, लाइक इट वॉज सो मच फन। सो फाइनली हियर वी आर एंटरिंग दीव। दिस वॉज लाइक सो गुड, जैसे ही आप एंटर करोगे एंट्री पॉइंट में ही आपको अलग ही वाइब दिखाई देगा, लाइक एवरीथिंग इज सो नीट एंड क्लीन, द रोड्स आर एक्सलेंट कंडीशन का और बहुत ही बढ़िया लग रहा था। एंटर होते एक अलग ही माहौल फील होता है। सो आई एम सो हैप्पी कि फाइनली आफ्टर सो मेनी ईयर्स आई एम बैक टू दीव और बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ का वीडियोज़ बनाने के लिए। सो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया, मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ पोस्ट करने वाली हूँ और या एंजॉय द राइड। सो बाय 6:30 हम लोग दीव पहुंच गए हैं। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको दीव आने में कितना मतलब टोल तो बिल्कुल नहीं लगा हम लोग को, ओनली रोड थोड़ी सी मतलब कंट्री साइड रोड है तो उस टाइप की थी एंड खाने पीने का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ एंड दैट्स ऑल, अदरवाइज बहुत ही सीनरिक व्यू है, बहुत ही एंजॉय किया हमने ड्राइव को एंड ज़्यादा कुछ ट्रैफिक वाफिक का भी इशू नहीं था। सो इस वीडियो के बाद जो वीडियो अप होने वाला है वो है दीव का रिजॉर्ट। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है ताकि आप कोई भी अपकमिंग व्लॉग्स मिस ना करें।
ये है दीव का एयरपोर्ट. सो आप देख सकते हो कि एयरपोर्ट भी कितना पास है, मतलब दीव इज़ वेरी स्मॉल, राइट. सो आपको ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा, अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहो तो भी आ सकते हो. तो हम जिस होटल में रहने वाले हैं वो नागाव बीच में है. सो मेक श्योर कि अगर आप इस होटल में रुकते हो जहाँ पर हम रुके हैं, तो नागाव बीच आते समय ना आपको वहाँ पे रोकते हैं कि 50 रुपये पे करो बिना बताए कि किसके लिए. सो वो होता है पार्किंग के लिए. सो मेक श्योर कि अगर आप नागाव बीच के किसी रिजॉर्ट में या होटल में रुक रहे हो तो आपको पार्किंग वहाँ पे उनको 50 रुपीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप पार्क करोगे अपने रिजॉर्ट या होटल में, राइट. तो मेक श्योर कि मतलब उनके कहने पे 50 रुपीज़ मत दे दीजिएगा. उनसे पूछिए कि किसके लिए. अगर वो पार्किंग के लिए बोलते हैं सो ऑब्वियसली आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने होटल या रिजॉर्ट में पार्क करोगे. अदरवाइज अगर आप किसी और होटल या रिजॉर्ट में रुके हो और वहां से नागाव बीच आ रहे हो तो आपको अगर पार्किंग करनी होगी ऑब्वियसली, तो वहां उनके उस केस में आपको फिर पे करना पड़ेगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. आई होप आज का वीडियो आप लोगों ने इन्जॉय किया और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा. और अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा. सो मिलते हैं अगले व्लॉग में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.